मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ एयर कंडीशन टू आर्ट कौंसिल के, जो आज एक प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद हो रहा है मास्टर गुलाम हैदर साहब का, मूसीकार आज़म मास्टर गुलाम हैदर साहब, जिनके बेटे परवेज़ हैदर साहब हर साल अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आते हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं, बल्कि ये नहीं कराची में बल्कि हर जगह जाते हैं, और इनको मोहब्बत भी मिलती है और ये ख़ुद भी मोहब्बत बांटने वाले इंसान हैं। परवेज़ हैदर साहब ये देखें, ये अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं अभी, ये परवेज़ हैदर साहब, और आप देखें मोहम्मद अली नकवी साहब, सकलेन अब्बास साहब, ये समझ लें वर्कर हैं हम लोग सब परवेज भाई के, और नहीं ये आपकी मोहब्बत है, भाई तो हैं आप, मेरे भाई हैं, बिल्कुल आपका बिल्कुल भाई हैं। अल्लाह मियां आपको सलामत रखे, आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया है, आप ही की वजह से मैं कराची में आता हूँ, और जान मेरा भाइयों की तरह, और इंशाल्लाह ताला मैंने उसको लाहौर में बुलाना है। अच्छा मैं ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैकड्रॉप लगा हुआ है, और ये बैकड्रॉप कितना खूबसूरत लगा हुआ है, हालांकि प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है और अभी 7 बजे हैं और ये प्रोग्राम शुरू होगा इंशाल्लाह 9 बजे। ये देखें सारी तैयारियाँ हो रही है यहाँ पे, लाइटिंग साउंड सारे मतलब जो है अपनी अपनी मेहनतों में लगे हुए हैं। तो ये देखें आप, ये हमारे साउंड इंजीनियर बैठे हुए हैं जो इनका साउंड लगा हुआ है, और ये देखें ये आज आप मास्टर गुलाम हैदर साहब के प्रोग्राम को आप मतलब साउंड आपका है, लाइटिंग भी आपकी है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लाइटिंग है और वो है, तो क्या कहेंगे आप आपके वालिद के बारे में, वो बड़े इंसान थे। बस कोशिश करते काम करने की, बाकी अल्लाह इज्जत देता है। आप ये भी बता दें कि आपके वालिद कौन थे, क्या मतलब नाम बताएं ताकि सब जानते हैं उनको। मेरे वालिद इसी फील्ड से रिलेटेड थे और उनका नाम मोहम्मद नसीम था, अनफॉर्चुनेटली 3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफरत करे, आमीन आमीन। तो बस वो उन्होंने भी कोशिश की थी, हम भी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, और नहीं अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे आपके वालिद की, बहुत अच्छे इंसान थे माशाल्लाह, और इन्होंने इस काम के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जब ही तो ये देखें ना आप इनकी औलाद हैं और इसी काम की तरफ आए हैं, तो जाहिर है आपने बड़ा अच्छा इसको पाया होगा और लोग भी अच्छे अच्छे मिलते हैं। ये देखें ये भी हमारे दोस्त हैं, ये भी सारे इंतजाम में लगे हुए हैं अपना, तो अब मैं आपको ले कर चल रहा हूँ। ये देखें ये हॉल जो है अभी 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला पूरा फुल हो जाएगा, और इस वक्त जो है हसन वारसी साहब भी आए हुए हैं, हसन जान वारसी जो कथक मास्टर हैं, और ये नकवी साहब का आपको बताया, परवेज़ हैदर साहब का। तो मैं ये परवेज़ हैदर साहब से पूछूंगा कि आज अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है परवरदिगार का कि आज 25 फरवरी आ गया और शो करने जा रहे हैं और एयर कंडीशन 2 में, और मतलब ये कि काफ़ी मतलब ये कि आर्ट कौंसिल वाले भी बड़ा प्यार करते हैं, खुसूसी मोहम्मद अहमद शाह साहब और अज्जद बुखारी साहब, इनसे बड़ा प्यार करते हैं और ये भी उनसे प्यार करते हैं, क्या कहेंगे परवेज साहब जी। अहमद शाह साहब बहुत ही प्यार करते हैं, वाकई मैं जब भी आता हूँ शाह साहब मैं प्रोग्राम करने आया हूँ, डेट ले लो। बुखारी साहब भी इसी तरह मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, मैं तो दुआएं देता हूँ क्योंकि मैं उनसे दिल से प्यार करता हूँ। आज जो है आपका प्रोग्राम है तो अभी तो 7 बजे हैं, अभी 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह हॉल बिल्कुल भर जाएगा, क्योंकि आपका वर्क अच्छा है, आपका काम अच्छा है, और आपके जो गुलूकार और फनकार होते हैं और माशाल्लाह बैंड साउंड सब VIP होता है, बिल्कुल 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 सही, और आप बहुत अच्छा फरमाया, आप इतने फरमा बरदार अपने वालिद के बेटे हो कि जो पूरी दुनिया में मूसीकार आज़म मास्टर गुलाम हैदर साहब के सपूत हो आप, और मैंने तो देखा है कि आप जब भी प्रोग्राम करने आते हैं और आते ही बांटना शुरू कर देते हैं, बेटे भी कहते हैं अली हैदर, और ये कि पापा ये क्या कर रहे हो, अभी भेजे थे 50,000 और भेज दो, लाख भेज दो, इसी तरह करके वो दिन आ ही जाता है, होटल में आप 2-2 महीने ठहरते हो, उसका किराया भी लगता है। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे
और इसी तरह जो है आप खिदमत करें अपने वालिद के काम की, अल्लाह उनकी मगफरत करे, मास्टर गुलाम हैदर साहब की बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान बहुत बड़ा नाम, ये सब मेरे मेरे वालिद की, अल्लाह के बाद मेरे वालिद की दुआएं मुझे। बिल्कुल हम यही चाहते हैं, आप आते आते हम रहे, तो म्यूजिक म्यूजिक नहीं करते हम, इसी तरह उनका नाम को जिंदा रखते रहे। बिल्कुल ओके। देखिए जी ये मास्टर गुलाम हैदर साहब, लता मंगेशकर और नूरजहां, मैडम नूरजहां उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले, और जब भी तो उनको मूसिकार आज़म प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, तमगा इम्तियाज़ मिला है, और इंशाअल्लाह सितारा इम्तियाज़ भी मिल जाएगा इनको, क्योंकि इनका काम और नाम अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा किया हुआ है। मोहम्मद अली नकवी साहब भी इनके साथ हमेशा होते हैं इंशाअल्लाह, और रहेंगे इनके साथ। और ये देखें मोहम्मद अली साहब क्या कहेंगे। सर मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो यूनुस मेहमान साहब माशाल्लाह गाहे बगाहे बनाते रहते हैं और इनका चलता है, बहुत लोग देखते भी हैं। इस हवाले से, इस वीडियो के हवाले से मैं कहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है मास्टर गुलाम हैदर साहब, जो मास्टर गुलाम हैदर साहब का नाम पूरी दुनिया में मूसिकार आज़म के नाम से लिया जाता है, और उन्होंने मैडम नूरजहां लता मंगेशकर को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, और हमेशा अपने वालिद साहब के नाम को जिंदा रखने के लिए प्रोफेसर हैदर साहब कराची के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में अपने बाप को जिंदा रखे हुए हैं। अल्लाह पाक इनको सलामती दे, क्योंकि इन्होंने हमेशा मोहब्बतें बांटी हैं, प्यार दिया है, कराची आके दोस्तों के साथ घुल मिल गए हैं, और मोहम्मद अहमद शाह साहब हमेशा कॉपरेट करते हैं हम सबके साथ, उनको भी दुआएं देते हैं ये कि जब भी मैं आता हूं कराची तो मोहम्मद अहमद शाह साहब जो आर्ट काउंसिल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो उनको वो हमारे साथ तावन करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। आज का प्रोग्राम बड़ा कामयाबी के साथ हमकरार होगा, मास्टर साहब से लीजिए जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या लें इनसे, क्या लें? मैं तो ये जैसा कि आपने भी कहा यूनुस भाई, सबसे पहले तो आपके जो देखने वाले हैं उनको सबको मेरा सलाम आधा वर्ष, और जैसा कि आप हमेशा ही व्लॉग बनाते रहते हैं और अपनी भी मोहब्बतें आप बखेरते रहते हैं लोगों को, वक्तन फोक्तन हम लोग आते रहते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि ये आज है शाम सरगम, तो मैं सरगम की एक छोटा सा मैं पलटा कहना चाहूँगा, छोटा सा ना, सरगारे सरगारे नी सरगारे गे गा मा संदीप महाराज गा मगा मगा, ये जी आज छावे सरगम जो है मास्टर गुलाम हैदर को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, और हमने तो मास्टर गुलाम हैदर साहब के लिए जो है हमने इनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन हमने मास्टर साहब की शक्ल में परवेज हैदर साहब से मुलाकात की, अपनी बैठक हमने रखी, और हमें ऐसा ही लगा कि हम जैसे मास्टर साहब के साथ बैठे हुए हैं, और वो है हमारी खुशनसीबी कि हमने उनके लिए दो अल्फाज बोले। और जैसे कि आपने कहा कि ये हमेशा लाते हैं, पैसे बांटते हैं लोगों को हमेशा, और मैं देखें बैग लाया हूँ, मैं खाली है ना मेरा, तो मैं भर के लेके जाने हैं, और ये भर दो झोली, क्या कहते हैं झोली तो मेरी नहीं भरेगी, लेकिन ये कि अल्लाह इनको सलामत रखे, ये हमेशा आते हैं इतनी दूर से, हज़ारों किलोमीटर से दूर आके ये कराची में रौनक लगाते हैं, और कराची से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अब तो जो हमारे जो सदर अहमद शाह साहब हैं वो बड़ी हर दफ़ा इनको मना भी नहीं करते, किसी को मना नहीं करते, सब आते हैं, करते हैं, चले आते हैं, और वो प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारों में शिफा मिल जाती है, तो इनको जो है हमेशा यहाँ पे आके शफा देते हैं, शफा मिलती है इनको, और आप ये देखते रहिएगा, और आप आए बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है ये, रात 8 बजे भी थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा, इसमें बड़े बड़े कलाकार 8:30-9 बजे शुरू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं जी, और क्या कहते हैं ये हमारी खुशनसीबी है कि हम परफॉर्म ना भी करें तो हम हमारी ये खुशनसीबी है कि हम इतने बड़े क्या कहते हैं मौसिकार आज़म को ट्रिब्यूट करने के लिए इनके साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन जान, ये आपने सही बताया कि मोहम्मद अहमद शाह साहब किसी को भी मना नहीं करते, वो इतने दिलेर हैं कि उनको जो भी यहाँ से मिलता है फंड्स सिंध का, तो सिंध में बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं, और ये तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल हो, और वो कर भी रहे हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और बड़े ही अच्छे क्रिएटिव आदमी हैं मोहम्मद अहमद शाह साहब। ये हॉल जो आप देख रहे हैं इसके अंदर मेरा ड्रामा चला था अभी 12 फरवरी को गीबत के नाम से, ये मोहम्मद अहमद शाह साहब का तावुन ही था, उन्होंने मुझे हॉल दिया और 2 शो किए मैंने, तो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, और कामयाब ड्रामा, और आज तक जो है मुबारकबादें मिल रही हैं मुझे ये जी इंशाल्लाह हैदराबाद में, हैदराबाद जा रहे हैं जी, बिल्कुल हैदराबाद में जा रहे हैं हम अभी, बस ये बोल दिया मोहम्मद अहमद शाह साहब को, उन्होंने कहा कि कब करना है, तो अब ये देखेंगे कि रमजान महीने से पहले जो है नहीं, एक नहीं, हफ्ता फोटोग्राफर पहले, जी बिल्कुल मैंने वो करना है, और ये हमारे नई फोटोग्राफर साहब भी आ गए, और इस वक्त देखें कि मैं आपको दिखा रहा हूँ नई फोटोग्राफर साहब, ये हाथ करें नईम साहब,
नईम भाई हाथ करो, मैं थोड़ा नज़दीक जूम कर लेता हूँ। कहाँ गए? हाँ ये रहे नईम भाई, ये भी पहुँच गए, अपनी तस्वीर यही बनाते हैं और आप देखेंगे और बहुत तावन करते हैं, बहुत तावन करते हैं नईम भाई को। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बासित भाई हैं जो मेरा ख्याल है पिछले एक महीने से जो है परवेज हैदर साहब के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और ये इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी हैं बासित भाई। तो बासित भाई क्या कहेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक महीने से आप परवेज भाई के साथ हैं? ये तो मोहब्बत वाले इंसान हैं। हाँ, परवेज भाई जो है अपने वालिद की जो मास्टर गुलाम हैदर का नाम जिंदा रखा हुआ है उन्होंने और पाकिस्तानी अवाम के लिए, अक्सर बड़े शहरों में इनके प्रोग्राम्स होते हैं और आम लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँचते हैं और लोग महसूस भी होते हैं, प्रोग्राम बड़े मेयारी होते हैं, फैमिली भी आती है, इसमें तो कोई शक भी आते हैं और मैं समझता हूँ आज का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह बड़ा कामयाब होगा और लोग भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि परवेज़ भाई की नीयत बहुत साफ़ है। परवेज़ भाई नेक नीयति से काम करते हैं और अल्लाह ताला इनके काम में भाग लगाता है, इसलिए कि ये वो आदमी है जो खर्च करते हैं और कोई टिकट नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री शो होता है जब भी करते हैं, कभी इन्होंने टिकट नहीं रखा और ये अपने पास से खर्च करते हैं। इतनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला ऐसा बेटे सबको दे जैसे मास्टर गुलाम हैदर साहब के हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और ये देखें हमारे मीसम भाई है, ये भी मतलब जो है हमारे आर्ट काउंसिल के साउंड ऑपरेटर हैं, ये भी मोहब्बत में आए यहाँ पर परवेज भाई की। क्या पर मीसम भाई क्या कहेंगे आप, परवेज भाई का शो हमेशा आप ही वो करते हो साउंड ऑपरेट, आज मेरे ख्याल कोई बात से आए? हाँ माशाल्लाह से हम लोग एक जगह और प्रोग्राम में बिजी थे, इंशाल्लाह ताला इनके प्रोग्राम में बैठेंगे, हमारी छुट्टी हो गई है मगर कोशिश करेंगे इनका प्रोग्राम देखें। हाँ जी जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और ये मैंने अभी सब का इंटरव्यू ले लिया है और ये मैं मतलब व्लॉग बना रहा हूँ। और देखें ये शफीक भी आ गया है, ये भी हमारे आर्ट काउंसिल का साउंड ऑपरेटर है शफीक, जो सलीम भाई के साथ होते हैं, मीसम भी और शफीक भी जो आर्ट काउंसिल के एम्प्लॉज हैं और यहाँ पे जो है अपना साउंड वगैरह जो है ऑपरेट करते हैं। तो शफी भाई आज आप देखें मोहब्बत में आए हैं, हालांकि आपके प्रोग्राम और कहीं भी चल रहे हैं लेकिन आर्ट काउंसिल के ज़ाहिर एम्प्लॉज हैं आप, तो परवेज हैदर साहब से मोहब्बत भी है तो आप उनको विश करने के लिए आएँ, वेलकम। और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला प्रोग्राम अच्छा कर दे। देखें अभी तो आपको ये कुर्सियां खाली नज़र आ रही है लेकिन ये दो घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला ये पूरी कुर्सियां भर जाएगी और ये मैं व्लॉग बना रहा हूं, अगर लाइव होता तो लोगों को इनवाइट भी करता लेकिन ये है कि जब ये प्रोग्राम हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर एक दफ़ा व्लॉग बनाऊँगा और हो सकेगा तो जो इसमें गुलकार हैं इन सब के लिए मतलब मैं बनाऊँगा वीडियो भी और इनके तासुरात भी लूँगा इंशाल्लाह, परवरदिगार ने चाहा और मेरी बैटरी ने साथ दिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, आप दुआओं में याद रखें, यूनुस मेमन डायरेक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह खुश रखे सबको, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू अहमद शाह साहब, थैंक यू बुखारी साहब, थैंक यू।